99% लोग वॉरिंग कराते समय नहीं रखते इन बातों का ध्यान। अगर आप व्हाइट बत्तल लेते हैं तो फ्लोरिंग के टाइम सफेद सीमेंट व्हाइट सीमेंट ही यूज में ले। तो अगर आपका मार्बल फिट हो चुका है, पॉलिश हो चुका है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ रखा है, उस पर आप फर्नीचर का काम करा रहे हैं, पेंट का काम करा रहे हैं, तो कई कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि उस पर धब्बा हो गया, उस पर स्पॉट हो गया, उसमें डलनेस आ गई। तो इसके लिए आपको आजकल बाजार के अंदर एक प्लास्टिक की सीट अवेलेबल होती है जो 1 mm 2 mm में आती है। आपका मार्बल फाइनली पॉलिश हो जाए उस पर आप वो प्लास्टिक की सीट लगा के उसके बाद फर्नीचर एंड पेंट का काम करें। आप मार्बल फिटिंग कराते वक्त अगर उस पर एपोक्सी करवाते हैं, कई लोगों को ये नॉलेज में नहीं होता है कि एपोक्सी क्या है, वो सोचते हैं कॉस्टली होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एपोक्सी का खर्चा 2 से 3 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है, जो कि ना के बराबर कॉस्ट है। उसको लगाने से आपके उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, उस पर एक लेमिनेशन हो जाएगा, जैसे अपन फोन पे अपन लेमिनेशन करवाते हैं उस तरीके से। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कनेक्ट करें एशियन मार्बल